है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस ड्राइंग के दो पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। पहले पार्ट में मैंने आउटलाइन बनाई है और दूसरे पार्ट में मैंने फेस को शेडिंग किया है। अगर आपने अभी तक वो दो वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक दे रखी है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो। आज की इस वीडियो में मैं बाकी पोर्शन को कवर करने वाली हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं हेयर्स को ड्रॉ कर रही हूँ, उसके लिए मैं तीन लेयर दूंगी। फर्स्ट लेयर देने के लिए मैं यहाँ पे 4B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ और उसके बाद ब्रश का यूज़ करके उसे अच्छे से ब्लेंड करूँगी। यहाँ पे आपको हेयर की डायरेक्शन में हेयर को ड्रॉ करना है और ब्लेंडिंग के लिए ब्रश का ही यूज़ करना है। यहाँ पे मैं सेकंड लेयर दे रही हूँ, उसके लिए मैं 6B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। जिस तरह से हमने फर्स्ट लेयर दे दी, सेम उसी तरह से हम बाकी लेयर्स को भी कंप्लीट करते हैं। थर्ड लेयर देने के लिए यहाँ पे मैं 8B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे आपको हाइलाइट्स के लिए टोम्बो मोनो इरेजर का यूज़ करना है। गाइस, यहाँ पे जो क्राउन है और उसमें जो फ्लावर्स लगे हुए हैं उसे हम शेड कर लेते हैं और उसके बाद उसे ब्लेंड करके टोम्बो मोनो का यूज़ करके उसे हाईलाइट प्रोवाइड कर देते हैं। देन यहाँ पे जो चूनर है उसे हम ड्रॉ करते हैं। लाइट पोर्शन के लिए एच ग्रेड पेंसिल का यूज़ करते हैं और डार्क शेड के लिए 4B पेंसिल का यूज़ करते हैं।
उसके बाद पेपर स्टंप का यूज करके उसे अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं। और जहाँ पे डार्क शेड दी है हमने, उसके ऊपर हमें व्हाइट जेल पेन का यूज़ करके डिज़ाइन ड्रॉ करनी है। इसी तरह से हम दूसरी साइड को भी फटाफट से बना लेते हैं। गाइज यहाँ पे जो झुमके हैं वो फ्लावर्स के बने हुए हैं, तो जिस तरह से हमने क्राउन में लगे हुए फ्लावर्स को शेडिंग किया, सेम उसी तरह से हमें यहाँ के भी फ्लावर्स को शेड करना है। देन गाइज यहाँ पे हम नेक को शेड करते हैं, उसके लिए मैं यहाँ पे एच ग्रेड पेंसिल का यूज़ करी हूँ। पहले हम बेसिक लेयर दे देते हैं, उसके बाद टिश्यू पेपर का यूज़ करके उसे अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं। देन आप रेफरेंस फोटो में देख सकते हो कि एक साइड पे लाइट पड़ रही है और एक साइड पे शैडो, तो उसके हिसाब से हमें लेयर्स देना है। और जब तक रेफरेंस फोटो जैसे इफेक्ट नहीं आ जाता तब तक हमें लेयर्स देते जाना है। हाइलाइट के लिए यहाँ पे मैं नीडेड इरेजर का यूज कर रही हूँ। आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने को मिला है तो एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।